वीडियो लेके गए। ज्यादा जरूर मैं पोचिंग की मैं काफी दिन बाद, ज्यादातर भाई हम मिलिट्री नोवो जोर्जो ये सब जा रहे थे, कभी कभी रोजोक, और पोचिंग के जाए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो भाई पोचिंग के आते हैं। और पीछे भैया एक स्कोर दिख गई थी मेरे को उतरते हुए, और एक स्कोर से ज्यादा बंदे वैसे यहाँ पे, तो यार जल्दी से पहले लूट वूट करते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया गन मिलेगी तो मजा आ जाएगा, और फिर चलते हैं बंदों की तरफ। अब यहाँ पे गाइस मेरे को वेस्ट हेलमेट लेवल 1 के मिले थे, जो कि तुम्हें पता है यार मतलब किसी काम के नहीं, मतलब बहुत कमी फर्क पड़ता है यार इनसे। लेकिन यहाँ पे गाइस मेरे को एक एम मिल जाती है, और भाई साइड वाले घर में से एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो भाई पकड़ते हैं इसे। अब यहाँ पे भेजी ऑटो पिकअप के चक्कर में मारे जाते हैं बेचारा, यहाँ पे लूट करता रह गया, नहीं तो इस बंदे पे यूज ही थी, अच्छा खासा डैमेज मेरे को दे देता है बंदा, लेकिन ऑटो पिकअप की वजह से दिक्कत हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। अब इस बंदे को मैं निपटाता हूँ भैया, इसके बंदे यहाँ पे रश मारने लगे थे। अब यहाँ पे गाइस मैं इस बंदे के बिल्कुल पीछे आ जाता हूँ, जिसकी वजह से भैया इनका एम हो जाता है बेकार, और पीछे से मैं निपटा देता हूँ इतनी देर में। और अब थोड़ी देर में ऐसे लेटा था मजे में कि भाई कुछ बोलेंगे भैया जी या नहीं, और जैसे मैं फिनिश करने के लिए फायरिंग करता हूँ, जब हल्की सी आवाज आती है इसके माइक में से अजीब सी। अब यहाँ पे इन भेज को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बच जाता है बंदा, तो भाई पकड़ते हैं इसे भी। अब इस बंदे को गाइस मैं खत्म कर देता हूँ, लेकिन भाई इसके और बंदे यहाँ पे रश मार चुके थे। अब यहाँ पे ये बंदा बोट से मजे ले रहा था पिस्टल के साथ, वैसे इस बंदे पे पिस्टल ली थी, इसकी कोई गलती नहीं है। इस बंदे को लगा कि भाई बोट मारेंगे और भाई बंदूक लूटेंगे उस पर से, लेकिन भाई उस पर कुछ भी नहीं था, बोट तो भाई उससे भी गया गुजरा था, उस बेचारे पे बस कपड़े थे और कुछ नहीं था यार। अब यहाँ पे गए सामने वाली बिल्डिंग में से एक बंदे के फुटस्टेप्स आने लगे थे, तो भाई देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे गाइस मैं इस बंदे को एकेएम से बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, तो मेरे को लगा कि भाई एकेएम में कुछ ग्लिच हो गया शायद से, क्योंकि भाई मेरे साथ पहले हो चुका है M4 या बैरल में हुआ था किसी में कि भाई मैंने गोलियां मारी लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा बंदे को, तो इसलिए मैं गन चेंज करता हूँ फिर निपटाते हैं। लेकिन एकेएम ने अपना काम करा था, शायद उस बंदे को लेवल 3 की वेस्ट मिल चुकी होगी। अब यहाँ पे गाइस मैं गाड़ी चेंज करता हूँ भाई, रोजुक में से इतने में फायरिंग चलने लगती है। अब यहाँ पे गाइस ये दोनों बंदे मेरे ऊपर रश मारते हैं बुरी तरह, लेकिन भाई दोनों को मैं खत्म कर देता हूँ, और भाई लोबी पहुंचा देते हैं सीधा। और गाइस ये बंदे डायरेक्ट फिनिश नहीं हुए, इसका मतलब इसके और बंदे हो सकते हैं यहाँ पे, तो भाई जाके चेक करेंगे एक बार। और सामने से एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, जो कि मेरे को लगा बोट है। यहाँ पे गाइस देख रहे हो भाई बोट से कितना फायदा होता है, अब इस बंदे ने बोट को मारा, अपनी लोकेशन दी मेरे को, और भाई मैंने इसको निपटाया, तो इसलिए भाई बोट फायदेमंद होता है यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार हमें। अब यहाँ पे गाइस मैं पोचिंग की स्कूल अपार्टमेंट रोजोक सब छान चुका था, बस एक जगह बची थी अब, वो है हमारी प्यारी जोर्जो पोल, और सामने भैया तबाही चल रही थी तकड़े वाली, और साइड से एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, जो कि यहाँ पे सांप बन गया था शायद आके, जब मैं उस बंदे को निपटा रहा था इसके सामने वाले को, तो भैया जी बिना सांप बने भी फायरिंग हो सकती है यार, या फिर गन मना कर देगा कि मैं नहीं चल रही मतलब। तो यहाँ पे भाई मैं इस वाली स्कोर को भी खत्म कर देता हूँ। गाइस एक चीज मैंने देखी यहाँ पे कि भाई ये बंदे अपने बंदे को निपटा रहे थे, क्योंकि बाइक 40 थी जो वो 3 सीटर जो थी, उसके पास एक बंदा नोक हुआ था, ठीक है, मतलब किल फील्ड में भी आया था, और जब मैं लास्ट वाले बंदे को मारता हूँ तो उसमें से भी धुआं उठता है, इसका मतलब एक ही टीम के बंदे थे। और यहाँ पे भाई टीममेट्स के बीच में लड़ाई हो गई कि भाई तूने मेरी M4 कैसे ली, मैं तेरे को फोड़ूंगा भाई सच में, मतलब रैंडम्स की तो भाई कोई इज्जत नहीं है भाई, अगर तुम रैंडम हो ना और 3 बंदे जान पहचान वाले हैं भाई, बहुत मुश्किल होता है कि वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब यहाँ पे मैं गटका मारता हूँ बंदे चेक करने के लिए, लेकिन भाई कोई फुटस्टेप वगैरह कुछ नहीं था, ना गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, तो भाई निकल लेते हैं। सामने एक US खड़ी हुई दिख जाती है हमें, तो भाई सीधा ठोक देते हैं इस गाड़ी में, और एक बंदे के फुटस्टेप्स आ चुके थे, जो कि हल्का से खिड़की में दिखा भी था मेरे को। तो यहाँ पे गाइस मैं नेड कुक करता हूँ इस बंदे को निपटाने के लिए, लेकिन गाइस तुम देखते जाना इस बंदे से खतरनाक कैंपर मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई, नागिन प्लस कैंपर था ये, बहुत खतरनाक वाला, और इसमें भाई टेलीपोर्ट होने की शक्ति थी, बस देखते जाना भाई ये बंदा मेरे को मिल के नहीं देगा।
अब यहाँ पे गाइस मैं नेट वेट फोड़ता हूँ, लेकिन मेरे को फुटस्टेप्स आए थे कि बंदा पीछे की तरफ भाग चुका और फिर फुटस्टेप्स गायब हो गए। तो मेरे को लगा कि भाई घास पास में लेट गया होगा पीछे जाके, लेकिन भाई यहाँ पे मैं घासों में गोलियां बजाता हूँ और भाई बग्गी से देखना मैं कितने राउंड मारूंगा, लेकिन भाई बंदा मेरे को मिलेगा नहीं भाई, मतलब कहाँ गायब हो गया भाई मेरे को बताना कोई कमेंट करके। तो गाइस जब मैं गेम खेल रहा था मेरे को तो बंदा नोटिस हुआ नहीं था, तो अगर गाइस आपको हो रिकॉर्डिंग के अंदर तो भाई बताना मेरे को। और पीछे की तरफ फ्लेयर चल चुकी थी, लेकिन भाई मैंने पूरा इग्नोर मारा, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को था कि भाई ये बंदा तो मैं ढूंढ के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई बंदा मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहीं गायब हो गया। तो यहाँ पे गाइस मैंने तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया, नहीं तो भाई ये क्लिप बहुत बड़ी थी भाई कसम से, जब मैं इसे ढूंढ रहा था है ना, लेकिन भाई बंदा मेरे को मिल के नहीं देता। तो फिर गाइस मैं हार मान लेता हूँ कि भाई ये नहीं मिलने वाला मेरे को, भाई मैं निकल लेता हूँ। इससे तकड़ा कैंपर स्नेक मैंने नहीं देखा, और इस बंदे में भाई टेलीपोर्ट होने की शक्ति थी क्या भाई, मतलब क्या था भाई बंदा गायब कैसे हो गया भाई अचानक से। मैंने घासों के अंदर बग्गी घुमाई कई कई बार कि भाई वो जो जंगल से था कि क्या पता उसके अंदर लेटा, लेकिन वहां पे भी नहीं था यार। तो पता ही नहीं गाइस क्या ही स्कैम था। तो गाइस कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि भाई कोई बंदा नागिन में तब्दील हुआ और फिर गायब बिल्कुल। अब यहाँ पे गाइस स्पोर्ट हाउस की तरफ फायरिंग चल रही थी, तो भाई थोड़ा सा पीछे रोकता हूँ मैं गाड़ी, एक दो बंदों को नोक करने की कोशिश करेंगे और फिर रश मार देंगे। यहाँ पे गाइस मैं इस बंदे को पूरा खत्म कर देता हूँ, और भाई कोर्ट हाउस पे फायरिंग चल रही थी इन सामने वाले घरों में से, तो इन पे जाके रश मारते हैं अब। और यहाँ पे गाइस ये जो स्कोर अपना रिएक्शन देगी ना भाई, मतलब कमाल लिखा था भाई, इससे तकड़ा रिएक्शन मैंने आज तक नहीं देखा किसी स्कोर का, तो बस सुनते जाओ भाई। अब यहाँ पे गाइस मेरे को आती है फर्स्ट एड लगाने की आवाजें। तो यहाँ पे गाइस वाली स्क्वाड का रिएक्शन अच्छा लगा तो भाई लाइक मार देना एक। तो यहाँ पे गाइस वाली स्क्वाड में दो बच्चे थे, एक बड़ा प्यारा था और भाई एक थोड़ा सा गुस्सा हो गया था यहाँ पे मरने की वजह से। अब यहाँ पे सामने की तरफ से फायरिंग चल रही है काफी देर से राइट साइड में से, तो पहले मैं फुल बूस्ट लगाता हूँ यहाँ पे और अब जाके गाइस रश मार देंगे गाड़ी के साथ। और हाँ गाइस मैं नोनो लाइफ पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ शाम को 8 बजे से, तो वहाँ पे गाइस आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो लाइव गेम प्लेस के लिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे गाइस सब कुछ बिल्कुल सुनसान हो चुका था और भाई मेरे को लगा सामने वाले घर में बंदे हैं, तो मैं एक मोली फेंकता हूँ, लेकिन भाई वहाँ थे ही नहीं बंदे, साइड में से बंदों के फुटस्टेप्स आते हैं फिर मेरे को। और यहाँ पे गाइस इस वाली स्क्वाड को भी खत्म कर देते हैं इसीलिए। अब यहाँ पे गाइस थोड़ी सी लूट वूट करेंगे और भाई निकल लेंगे फिर। अब यहाँ पे गाइस मैं काफी देर से राउंड मारा था, लेकिन भाई बंदे मिल नहीं रहे थे मेरे को, पीछे पीछे के घर में चेक करके आया था और इधर भी मेरे को कोई लगा नहीं था, लेकिन मेरे सामने कुछ गाड़ियां दिख जाती है मेरे को।
अब यहाँ पे गाइस मैंने एक दो बंदों को नोक कर देता हूँ भाई, जाके अब सीधा रश मार देंगे। और एक बंदा मेरे को पेड़ के पास स्पॉट हुआ था। और यहाँ पे गाइस सीट चेंज करने के चक्कर में स्कैम होते होते बच गया भाई, लेकिन बच जाते भाई किसी भी तरह, क्योंकि मैंने सीट चेंज के बटन को कई बार दबाया लेकिन भाई बहुत लेट रिस्पॉन्स करा, पता नहीं क्यों यार। तो गाइस ये वाली चीज कई बार बचाती है तो भाई कई बार मरवा भी देती है। अब यहाँ पे गाइस सामने की तरफ ड्रॉप आई थी तो मैं जा रहा था चेक करने, लेकिन भाई साइड में बंदे दिख जाते हैं कुछ, जो कि नागिन में तब्दील हो चुके थे। और भाई दूर से घास रेंडर नहीं होती भाई, वो बंदे पूरे मजे में होंगे कि भाई मेरे को तो कोई देख ही नहीं पाएगा, पूरी घासों में लेटा पड़ा हूँ, लेकिन भाई दूर वाले मस्त देख सकते हैं तुम्हें। तो इसलिए गाइस किसी कवर के आसपास रहना चाहिए हमेशा। और लास्ट वाला बंदा भी गाइस मेरे को यहाँ पे दिख जाता है, तो भाई कर देते हैं इसे भी खत्म। तो गाइस ये था।